हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सी टेट का है और हिंदी का है। एक एग्जांपल के लिए, एक पैटर्न के रूप में कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके सी टेट में आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें गद्यांश होता है जैसा कि आप देख रहे हैं, और एक गद्यांश है, इसको आपको पढ़ना होगा। और उसके बाद जनरली सभी जिस तरह के एग्जामों में हिंदी में क्वेश्चंस होते हैं और जो आंसर होते हैं उनके आपको देना होता है, कि गद्यांश रीड करके और जो आंसर से कौन सा विकल्प गद्यांश के मुख्य भाव के सबसे निकट है वो आपको बताना है। फिर किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं, प्रारंभ, सफलता, परिवहन, कठिनाइयां। तो ये आंसर आपको अपने से थोड़ा सा देना होगा, क्योंकि यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय की बात चल रही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका सफलता होगा, है ना, कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों सफलता में हैं। पर पीड़ा शब्द का गद्यांश में प्रयोग के अनुसार अर्थ क्या है, तो आप गद्यांश में पढ़िए और देन उसके बाद इसका आंसर लिखिए। पर पीड़ा का मतलब ही होता है कि दूसरों की जो पीड़ा होती है उससे मतलब है। तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा, यानी दूसरों की पीड़ा जो होती है, पर पीड़ा, पर यानी दूसरा। तो इसी तरह के इसमें क्वेश्चंस रहते हैं, आप देख लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश के प्रारंभ में उद्धृत कथन किसके जीवन का दर्शन बना है। जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रेवती राय की कैब सेवा मूलतः किनके लिए है, तो ये गद्यांश पढ़ने पे ही। और कामकाजी महिलाओं को प्रायः नृत्य ही जूझना पड़ता है, कैब सेवा प्रारंभ करने के पीछे कारण था और रेवती राय ने एकदम नया रास्ता चुना। चलिए मैं इनके आंसर आपको बता देती हूँ। जैसा कि इसमें आप 91 की अगर बात करें, कौन सा विकल्प गद्यांश के मुख्य भाव के सबसे निकट है, तो ये 4 नंबर का होगा। इसमें सफलता होगा और पर पीड़ा दूसरों की पीड़ा से होगा। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, आपका 94 नंबर में, कि गद्यांश के प्रारंभ में उद्धृत कथन किसके जीवन का दर्शन बना है, तो 94 नंबर में जो राइट आंसर होगा वो होगा रेवती राय का। और रेवती राय की कैब की सेवा मूलतः किसके लिए है, तो इसका राइट आंसर होगा कामकाजी महिलाओं के लिए। और कामकाजी महिलाओं को प्रायः नृत्य ही जूझना पड़ता है, किन चीज़ों से नृत्य ही जूझना पड़ता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा पर पीड़ा और अपराधी लोगों से। कैब सेवा प्रारंभ करने के पीछे का कारण क्या था, अब आपको बताना है। तो इसके पीछे का जो कारण था वो है आपका महिलाओं की कठिनाइयां जो थी उनको दूर करने के लिए, और रेवती राय ने एकदम नया रास्ता चुना। तो क्या एकदम नया रास्ता चुना, तो इसका राइट आंसर होगा महिलाओं के लिए कैब संचालन का। किस जिंदगी को खतरों और आशंकाओं से भरा माना गया है, तो सड़क परिवहन की जो जिंदगी होती है खतरों और आशंकाओं से भरी मानी जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद आपका सेकंड जो आता है, इसमें काव्यांश भी आता है, यानी कि जो पद होते हैं वो भी आते हैं, उनको पढ़कर ही आपको उनके आंसर देने होते हैं। जैसे आपके सामने है कि गृहस्थे घनन घन घन नाचता है, मोर सा मन ऐसी पड़ी, झरझर झड़ी, भीगा बदन, बेसुध है मन। तो इनको पढ़ के, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पहला हो गया कि बेसुध है मन कहकर कभी बताना चाहता है कि मन क्या है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा, मन आपका मस्त हो जाता है, बेसुध है मन, तो 4 नंबर का सही हो जाएगा। तो इसी तरह के इसमें क्वेश्चन से दिए हुए हैं। तो गरस्ते घन घनन घन में अलंकार कौन सा है, देखिए तो इसका जो अलंकार है अनुप्रास अलंकार है, और मन की उपमा किससे दी गई है, तो मन की उपमा मोर से दी गई है। और लिपट कर सो गया सूरज का भाव है कि सूर जो है वो, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका 2, यानी छिप गया है, ठीक है। लिपट कर सो गया सूरज, सोने का मतलब होता है छिप गया है। पुरवाई से आशय क्या है, अब आपको इसमें मतलब बताना है, तो देखिए पुरवाई से आशय है आपका पूर्व से आने वाली वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे देख लेते हैं, आपके दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प को आपको चुनना है। कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय बर्तनी की अशुद्धियां करती है, भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं, क्योंकि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कि नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उसमें सुधार कर सके, ओके। क्योंकि जब बर्तनी की अशुद्धियाँ होती हैं तो हर बार बच्चों को एक मौका देना चाहिए ताकि वो सही लिख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। प्राथमिक उच्च स्तर की बात चल रही है कि वहाँ पे मुहावरे और लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका संदर्भ अनुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझना और उनका प्रयोग करना। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है। यहाँ पे व्याकरण शिक्षण की बात चल रही है,
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा घर घर आपकी ही चर्चा है, वाक में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यानी निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है कि व्याकरण से संबंधित कौन सा वर्ड है, ये आपको यहाँ पे देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा। तो देखिए समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश करना सबसे कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर की बात चल रही है और किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए क्या है, तो भाषा बोध और साहित्य बोध जो होता है भाषा को विकसित करने के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है, अब बताना है। तो देखिए पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए ही पठन सामग्री विकसित की जाती है, अतिरिक्त पठन सामग्री की बात चल रही है यहाँ पे। और उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, तो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, तो देखिए भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना ही उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए, इस कथन में प्रयुक्ति से तात्पर्य क्या है। तो देखिए विशिष्ट भाषा का प्रयोग से मतलब होता है, प्रयुक्ति से मतलब होता है कि विशिष्ट भाषा का प्रयोग कराया जाना चाहिए विद्यार्थियों को। और भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है, भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है। देखिए जो प्रत्यक्ष विधि होती है इसे में भाषा शिक्षण विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या हो सकता है। तो देखिए भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वो आपका भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना हो सकता है। अगला क्वेश्चन, सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि, सतत आकलन का उद्देश्य क्या जानना होता है। तो देखिए राइट आंसर होगा कि बच्चे कैसे सीखते हैं, सतत आकलन का मेन उद्देश्य होता है। और अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है। तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को, अब इसमें जो ऑप्शन दिया है आपको सेलेक्ट करना है, तो इसमें आप राइट ऑप्शन जो आंसर होगा वो होगा कि भाषा की बारीकियां समझाना चाहती हैं। तो जब शिक्षिका बच्चों से पूछती है कि हम भी सफल होंगे और इस वाक्य में जो भी लगने से अर्थ में जो अंतर आता है इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है शिक्षिका बच्चों को। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब करें, न्यू वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और उसे सेव करें ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो डालूं वो आपको इजी से अवेलेबल हो जाए। थैंक यू। हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है, सबसे कम महत्वपूर्ण क्या हो सकता है हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में, चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा संवैधानिक मूल्यों की जानकारी देना। साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है, साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा एकांकी में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है और हम लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर की बात चल रही है और हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका यानी दो नंबर का, आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं, तो आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो फ्रेंड्स ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं और एक पैटर्न भी है कि किस तरह से आपके सीटेट में या टेट में क्वेश्चन आते हैं और किस तरह का हिंदी का पेपर आता है मेन इम्पॉर्टेंट। और इसके बाद अब इसके बाद कंटिन्यू आपके सभी सब्जेक्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग में वीडियो डालती रहूंगी, तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक